गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज देख लेते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या फिर इसको ये भी कहा जाता है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन। ठीक है, परंपरावादी जो रोज़गार की थ्योरी है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्लासिकल टर्म कहाँ से आया? क्लासिकल टर्म जो है वो केन्स ने जो है इंट्रोड्यूस किया, तो वो कब कहा जाता है? जब मैक्रो इकोनॉमिक्स के इश्यूज में जो जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी है, जो कि केन्स ने लिखी थी 1936 में। ठीक है, तो उससे पहले जितने भी इकोनॉमिस्ट हुए हैं उनको क्लासिकल टर्म दिया गया है। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मेनली जैसे डेविड रिकार्डो, जेबी से कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, ये जो है वो क्लासिकल है। न्यू क्लासिकल एजी पिगू, एल्फ्रेड मार्शल, ये न्यू क्लासिकल हमारे पास इकोनॉमिस्ट है। तो अब इनके व्यूज़ क्या है? सबसे पहले क्लासिकल जो है वो एक तरीके का अपना एक ओवरऑल व्यू है। अब क्लासिकल्स क्या कहते हैं? क्लासिकल्स कहते हैं कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन रहेगा, कभी भी मार्केट में जो है अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होएगा। ठीक है, हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन रहेगा, फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस, ऑटोमेटिक करेक्शन इन द मार्केट। यानी कि अगर कहीं पे ऐसा हो भी गया कि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ गई, तो क्या होगा कि या तो वेजेस या प्राइजेस या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तीन चीज़ें हैं। ठीक है, वेजेस, प्राइजेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तीनों अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे मार्केट में, अपने आप ही एडजस्ट करेंगे ताकि फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन जो है वापस रिस्टोर हो जाए। ठीक है, अब फुल एम्प्लॉयमेंट है क्या चीज़? ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट गेट वर्क, देयर मे बी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो लोग काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, उनको अगर काम मिल जाता है तो उसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, कुछ हद तक जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। नाउ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके का हो सकता है? फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल जो होता है वो शॉर्ट पीरियड में जैसे कोई प्रॉब्लम्स आने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको हम फ्रिक्शनल कहते हैं, जैसे रॉ मटेरियल की कमी हो गई, राइट। स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल थोड़ा जो होता है कि पूरा का पूरा इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया जिसकी वजह से जो है अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। जैसे कि कोई सपोज अपन कर लेते हैं जो पुराने फ़ोन्स हैं, अब उनका मैन्युफैक्चरिंग उतना नहीं होता है। नहीं, क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो बंद हो गए हैं, लेकिन वर्कर्स को ट्रेंड उन्हीं फोन्स को बनाने में किया गया था, अब दे आर अनएम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रक्चरल चेंज। सीजनल, सीजन की वजह से, जैसे एग्रीकल्चर जो है एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, तो वहाँ पे सीजन चेंज होता है। अगर हार्वेस्टिंग है, सोइंग है, तो एम्प्लॉयमेंट है, और अगर हार्वेस्टिंग सोइंग नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। टेक्निकल, टेक्निक के चेंज होने की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। दूसरा हमारे पास आ जाता है वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि इच्छित और अनैच्छित। ठीक है, वॉलेंट्री कि मुझे काम मिल रहा है बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग वर्क। ठीक है, मैं नहीं करना चाह रही हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग, एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, उसको क्या कहते हैं? वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री, मैं काम करना चाह रही हूँ लेकिन मेरे को काम नहीं मिल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। अब देख लेते हैं एसेंशियल बेसिक्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी। तो क्लासिकल थ्योरी में क्या है? सबसे पहले फ्री प्ले, ठीक है, एंड दूसरा फुल एम्प्लॉयमेंट। ये आपको क्लासिकल्स की एक बात बहुत बड़ी लगेगी कि वो हमेशा कहते हैं कि देयर इज़ अ फ्री प्ले इन द मार्केट। अब फ्री प्ले कैसे हो सकता है? कहते हैं सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ठीक है, तो ये सेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, आप जितना मर्जी सप्लाई क्रिएट कीजिए उतना ही डिमांड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये आता है कि अगर सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड का मतलब ये है कि जितना मेरे को इनकम मिला मैंने सारा का सारा खर्च कर दिया। फिर क्वेश्चन मार्क आता है कि अगर सारा खर्च नहीं किया, सेविंग किया, तो मार्केट में क्या होएगा? तो उसका जवाब क्लासिकल्स देते हैं कि सेविंग इज़ अ फंक्शन ऑफ आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इन्वेस्टमेंट भी फंक्शन ऑफ आर है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट।
तो वो कहते हैं कि देर इज़ अ फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, कि फ्लेक्सिबल है आर, तो आर अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में बराबर हो जाएंगे, जो सेविंग हुआ वो भी इन्वेस्ट हो गया, तो इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ अ डिमांड, राइट। दूसरा हमेशा क्या रहेगा, फुल एम्प्लॉयमेंट, कि ये दो चीज़ें हैं मेन क्लासिकल्स जो कहते हैं कि अब एक तो सप्लाई क्रिएटेड ऑन डिमांड, जितनी मर्जी सप्लाई कीजिए डिमांड उतनी आ जाएगी, उतना ही एक्सपेंशन हो जाएगा और हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अजम्पशंस। सो अजम्पशन आ जाती है पहली, रैशनल मैन, ठीक है, कि रैशनल मैन है उसको सब पता है और वो क्या चाहता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। दूसरा आ जाता है लेसेसी फेयर, यानी कि गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। तीसरा आ जाता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, पूर्ण प्रतियोगी बाजार है। क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी कि हमारा किसी और के साथ व्यापार नहीं है, इकोनॉमी जो है वो क्लोज्ड है। कॉन्स्टेंट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एक जैसी ही है। मनी इज़ ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी जो है सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ये क्लासिकल्स का एक बहुत बड़ा अजम्पशन है कि मनी को एक वेल, एक पर्दे की तरह यूज़ किया जाता है, मीडियम की तरह यूज़ किया जाता है। देन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइजेस, प्राइजेस फ्लेक्सिबल रहेंगे। रिलेशन बिटवीन मनी एंड रियल वेज, यहाँ पे कि अगर मनी वेज बढ़ता है तो रियल वेज भी बढ़ेगा, ठीक है। देन सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, इक्वालिटी रहेगी सेविंग और इन्वेस्टमेंट में। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, यानी कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं वैसे वैसे रिटर्न्स जो हैं कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन है क्या चीज़, कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनको हम लेके क्या करते हैं, कुछ आउटपुट निकालते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। जैसे वाई आउटपुट इज़ अ फंक्शन ऑफ के, कैपिटल, एन लेबर, एल लैंड एंड टी टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया है कि दीज, क्योंकि शॉर्ट पीरियड का हम ले रहे हैं, कैपिटल एंड देन लैंड एंड टेक्नोलॉजी, ये सब क्या है यहाँ पे, इन्होंने कांस्टेंट लिया है। तो वाई इज इक्वल टू एफ के बार एंड एन, के बार भी कि के इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, एन जो है वो लेबर है, ठीक है। तो यहाँ पे लेबर एंड आउटपुट, तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है, कि जितना मैं लेबर लगा रही हूँ उतना आउटपुट बढ़ता चला जा रहा है। इफ़ दिस इज़ ओ एन, तो ओ वाई मेरे पास है, वाई वन लगा लीजिए चाहे। देन अगर मैं यहाँ पे लेबर को बढ़ा रही हूँ तो मेरे पास आउटपुट भी बढ़ रहा है, राइट। तो ये था प्रोडक्शन फंक्शन। अब क्योंकि हमने लिया है डिमांड लेबर को प्रोडक्शन फंक्शन के साथ, तो अब देखते हैं लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई फंक्शन क्या है, ठीक है। लेबर को कहाँ तक इम्प्लॉय करना चाहिए, तो सबसे पहले डिमांड फॉर लेबर मेरे पास क्या है, W इज इक्वल टू MRP, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ N लेबर, ठीक है, इज इक्वल टू P, यानी कि प्राइजेज इन टू MPP, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ N लेबर। तो W/P इज अ रियल वेज, W/P इज अ रियल वेज विच इज इक्वल टू द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ N लेबर, ठीक है। तो डिमांड फॉर लेबर इज अ फंक्शन ऑफ WP, W/P क्या है हमारे पास, रियल वेज, ठीक है। तो अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू बताऊं तो ये कुछ इस तरीके के बनेगा, दिस इज़ एम्प्लॉयमेंट एंड दिस इज़ रियल वेज, ठीक है। तो डिमांड, अब ये क्या है, W/P 1, ठीक है, W/P, जितना रियल वेज बढ़ता चला जाएगा उतना ही डिमांड जो है हमारे पास कम होता चला जाएगा, ठीक है। मे बी दिस इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे W/P जो है और डिमांड जो है वो आपस में बराबर है। W/P इज इक्वल टू MPP ऑफ N, यानी कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो ये जो है दिस इज़ अ डिमांड फॉर द लेबर। अब सप्लाई ऑफ द लेबर, सप्लाई ऑफ द लेबर में हमारे पास दो डायग्राम्स बनेंगी, ठीक है। इसमें क्या है कि एक तो वर्क एंड लेजर, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो ये IC कर्व जो हमने पहले भी कर रखी हैं उसके थ्रू बनेगी, ठीक है। तो ये एक
कर्व्स है मेरे पास, अब यहाँ पे भी क्या है, दिस इज w अपॉन p, w अपॉन p वन, w अपॉन p टू, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा है ओ एन, ओ एन इज अ नंबर ऑफ आर्स, ठीक है जी, इसमें के एल एम ले लेते हैं, ठीक है। अगर डब्ल्यू पी है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या है कि दो चीज़ें हैं, वर्क एंड लेजर। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें, इस पॉइंट पे ई पे इतना काम करेंगे और ओ एम लेजर, ई वन पे देखें तो एल एन वर्क, एल ओ लेजर, अगर जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा के एन वर्क, ओ के लेजर, यानी कि जितना ज़्यादा हमारे पास जो है रियल वेज बढ़ेगा, उतना ही सप्लाई ऑफ लेबर आर्स जो है वो बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो इसको अगर हम दिखाएं तो कुछ इस तरीके का बनेगा ये, राइट, कि दिस इज़ डब्ल्यू अपॉन पी, जैसे जैसे बढ़ा वेजेस, जैसे जैसे बढ़े वैसे ही सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब इक्वेशन क्या बनेगी, एन डी इज इक्वल टू एन एस, यानी कि सप्लाई ऑफ लेबर और सप्लाई जो डिमांड फॉर लेबर है वो आपस में दोनों बराबर होंगे, एंड बोथ आर द फंक्शन ऑफ डब्ल्यू अपॉन पी, यानी कि हमारे पास ये जो है रियल वेजेस का फंक्शन होएगा। तो प्रोडक्शन फंक्शन कहाँ पे तय किया जाएगा वो देखते हैं। इक्विलिब्रियम जो आएगा, इक्विलिब्रियम जहाँ पे एन डी इज इक्वल टू एन एस, यानी कि डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं, दिस इज ये क्या था हमारे पास, डिमांड विच इज अ फंक्शन ऑफ डब्ल्यू अपॉन पी, एंड दिस इज सप्लाई विच इज अ फंक्शन ऑफ डब्ल्यू अपॉन पी, ठीक है। तो ये है हमारे पास प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन कहाँ पे की जाएगी, जहाँ पे लेबर का जो डिमांड है और लेबर का जो सप्लाई है वो दोनों बराबर होंगे, वहाँ पे प्रोडक्शन की जाएगी, एंड दिस इज़ ओ वाई आउटपुट, राइट। तो बाकी का आगे सेल्फ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इन क्लासिकल थ्योरी कल करेंगे। आज हमने क्या किया है, प्रोडक्शन फंक्शन को देखा है, डिमांड फॉर लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर, और कहाँ तक जो है प्रोडक्शन किया जाएगा वो देखा है। आज का लेक्चर इतना ही, थैंक यू वेरी मच।